अच्छा जी, आज माशाल्लाह VCL सारी फैमिली जो है बहुत अच्छे तरीके से हम फेस्टिव सीज़न गुजार रहे हैं और मना रहे हैं, बल्कि हॉलीडे स्पिरिट के साथ कायदे आज़म डे और क्रिसमस हम मना रहे हैं VCL जिम में। पूरी VCL फैमिली माशाल्लाह जो है इस वक्त इकट्ठी हुई हुई है, मगर इस वक्त जो है अभी इस वक्त हमारे बहुत अच्छे VCL के जो है इस वक्त टॉप राइवलरी जो चल रही है खान बाबा वर्सेस बुलेट की, ना खान बाबा इधर है और ना बुलेट इधर है कि हम उनके साथ भी ये जो है फेस्टिव एक्टिविटी कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि खान बाबा जो है, ब्रदर वी मिस यू एंड व्हेनेवर यू गेट टाइम, व्हेनेवर यू कम टू लाहौर डू विजिट अस। इस वक्त हमने तुम्हें इनविटेशन दिया था तुम्हारे साथ पार्ट बनते, मगर वो अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ की वजह से इस इवेंट का पार्ट नहीं बन सका, जो हमारी गैदरिंग इवेंट तो नहीं इसको कहेंगे हम। दूसरा बुलेट जो है उसको अपनी फैमिली के साथ जो है जाना पड़ा इस्लामाबाद, सो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट। मगर बुलेट को हम इस तरह से याद करते हैं क्योंकि बुलेट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ VCL फैमिली, और उसने मुझे एक पाकिस्तान का एक सॉरी कायदे आज़म का एक फैक्ट बताया था जो मैं बताना चाहता हूँ। नीचे वीडियो में मैं शो भी करूँगा क्योंकि उस बंदे का इंटरव्यू बुलेट के भाई ने इमरान खान ने किया। कायदे आज़म का एक गार्ड था और उस गार्ड ने जो है किसी बंदे ने कायदे आज़म के ऊपर जो है टमाटर फेंक दिए, कोई कुछ चीज़ करने की कोशिश की, कोई हार्म करने की कोशिश की कायदे आज़म को, जिस पे उस बंदे ने जो है गार्ड ने जो है कायदे आज़म को जो हार्म करना चाहता था उसको पैंटी चढ़ा दी और बुरा भला भी कहा और गालियाँ भी दी, ठीक है ना। उस चीज़ को मद्देनज़र रख के कायदे आज़म उसको कोने पे पकड़ के साइड में लेके गए और उसके रख के मुंह पे चपेड़ मारी, ठीक है ना जी। और जब कायदे आज़म ने अपने गार्ड के मुंह पे रख के चपेड़ मारी तो उसका कान जो है ना, कान का पर्दा फट गया, ठीक है। आज भी वो बंदा आला लगा के कान में जो है सुनता है। और ये कहानी मैं पहले मजाक से बना था, ये असली कहानी है, इसकी बाकायदा हमारे पास रिपोर्ट है बाकायदा क्रेडिट चैनल की जिसने कायदे आज़म के गार्ड की बनाई, और वो कायदे आज़म का जो गार्ड है वो आज भी कायदे आज़म की जो है हद से ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत करता है उससे। 93 साल मियां गुलाम जाफर की आंखों को अभी तक चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी, मगर बायां कान 67 बरस से बिल्कुल बंद है। ये शख्स तरीके पाकिस्तान के दौरान 8 साल तक बाबा कौम के हिफाजती दस्ते का सालार रहा। 1945 में जालंधर के जलसे के दौरान कायदे आज़म ने खुद पर नाकाम हमला करने वाले मुखालिफीन को माफ कर दिया, मगर गुलाम जाफर की हुकूमतुली उसका एक कान ले गई। किसी ने आके बता दिया कि ये उनको छोड़ा नहीं मारा जा रहा, तो कायदे आज़म कहते हैं सलाह इनको छोड़ा नहीं। मैंने कहा ये इस काबल, अब काबल का लफ्ज भी बुरा नहीं कहा, ये थप्पड़ आया कि तुम में और ये ब्लड रंग लाएगा। तहरीके पाकिस्तान का गोल्ड मेडलिस्ट गुलाम जाफर कायदे आज़म के आखिरी दम तक उनका महाफिज रहा। बाबा कौम की हिफाजत के दौरान लगने वाले जख्म आज भी इसके सीने और बाकी बदन पर मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी खिदमात के एतराफ में चंद हजार रुपए महाना वजीफा जारी किया था जो अब कई सालों से बंद है। बाबा कौम की जान बचाने वाले इस मुजाहिद के हाथ चूमने लायक हैं, मगर हमारे यहाँ तो जैसे उल्टी गंगा बह रही है। हमने जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार को फरामोश कर दिया, बिल्कुल वैसे ही आज हमारे बीच मौजूद उनके जानसार साथियों को भी उनका जायज मकाम नहीं दे सके। इमरान खान, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। बुलेट की ये कहानी थी जो उसने शेयर करनी थी आप लोगों के लिए हमारे शो में, मगर वो इसका पार्ट नहीं बन सका, मगर हमारे दिल में हमारा भाई है और खान बाबा वी ऑल्सो लव यू। सो डेफिनेटली आज क्रिसमस हॉलीडे पे हमने अपने दोनों भाइयों को याद किया जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। Happy holidays, Merry Christmas.